क्या दोस्तों, आप भी अपने रूखे सूखे ड्राई फ्रिजी रफ बालों को वापस से सॉफ्ट स्मूथ शाइनी सिल्की बनाना चाहते हो, मैनेजेबल बनाना चाहते हो, जिससे कि वो झाड़ू जैसे ना दिखाई दें? तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी DIY बताऊंगी और बड़े ही काम की DIY है, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है मगर उसके फ़ायदे देख के आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि पहली बार के इस्तेमाल में ही आपको इसका रिज़ल्ट दिखाई देगा। बाल सॉफ्ट स्मूथ महसूस होने लगेंगे आपको, जो बालों में ड्राइनेस है, फ्रिजीनेस है, रूखापन है, वो चला जाएगा। दोस्तों आज की इस DIY यानी होम रेमेडी की दो खासियत हैं। पहली तो ये कि इस DIY को हम नेचुरल चीज़ों से बनाएंगे और ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में आसानी से मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं। और दूसरी खासियत ये है कि इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं तो किसी पे भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देंगी। तो देर किस बात की है, आइए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ इस DIY को कैसे बनाना है और कैसे सही से इस्तेमाल करना है, जिससे आपको इसका पूरा पूरा फ़ायदा मिल सके। बस दोस्तों एक चीज़ आपको करनी है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आप लाइक किए बिना देख लेते हो वीडियो, लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, थोड़ी सी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। दोस्तों इस DIY को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट, वो है आलू। मीडियम साइज़ का आलू लेंगे, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आलू इस्तेमाल करेंगे आज हम अपने बालों पर, जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है। तो इसको अच्छे से धो लीजिए, और इसको छीलना है तो आप छील भी सकते हो, वरना छीलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरीके से वॉश करके इसमें से सारी धूल मिट्टी निकल जाए, उसके बाद इसको आपको कद्दूकस कर लेना है। दोस्तों आलू तो वैसे सब्जियों का राजा होता है, हर किसी को पसंद होता है खाने में, मगर आपको मालूम नहीं है ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बालों में शाइन तो देता है, अच्छे कंडीशनर का काम करता है, साथ ही साथ ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें ऐसे विटामिंस पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसको यूज़ करके आप ज़रूर देखिए। तो मैंने आलू ग्रेट कर लिया है, इसको अब एक पैन में डाल लूँगी। इसके बाद इसमें कम से कम आधा ग्लास पानी मिला के मिक्स कर लीजिए, और फिर इसको आप रख दो फ्लेम पे यानी गैस पे। इसको आपको करना है अब बॉईल। 2-3 मिनट में ही मीडियम फ्लेम पे ये बॉईल होने लगेगा, और चम्मच चलाते रहिएगा कहीं ये चिपक ना जाए। तो जब ये बॉईल हो जाएगा, जैसा कि आप देख ही रहे हो, फिर आप गैस बंद कर दो और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम दूसरे इंग्रेडिएंट को तैयार कर लेते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम इस लीफ से निकालेंगे, एक एलोवेरा की लीफ लेनी है। इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, बॉटम कट कर दीजिए इसका, जिसमें येलो थोड़ा थोड़ा लिक्विड होता है उसको निकाल दीजिए, कांटे निकाल दीजिए, और बिना छीले ही इसको छोटे छोटे पीसेज में काट लीजिए, जैसे मैंने काटा है। नेचुरल एलोवेरा यूज़ करोगे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा फायदेमंद है। अगर नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मगर एलोवेरा यूज़ करना चाहते हो तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हो। कम से कम 2 से 3 चम्मच आपको चाहिए, और ऐसा एलोवेरा जेल लें जो कि ट्रांसपेरेंट हो, कलर वाला मत इस्तेमाल करें। अब ये जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था, ये ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद ही आगे की प्रोसेस करिएगा। अब इसको एक जार में आप डाल लीजिए, और जो एलोवेरा के पीसेस काटे हैं वो भी इसमें डाल लीजिए। अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर इनको आप पीस लीजिए। पीस लिया मैंने, ये आप देख रहे हो पेस्ट बढ़िया सा बन के आएगा। इसको अब हमें छानना है, कपड़े की मदद से इसको हम छानेंगे, जिससे कि कोई भी छोटे छोटे तिनके से होते हैं या एलोवेरा में धागे से आपको नज़र आते हैं, वो हमारे बालों में ना फंसें और ख़राब ना लगें, मगर रिज़ल्ट अच्छा दें। तो इसको छान लूँगी, फिर इसके बाद इसमें आप 1 चम्मच कोई भी अपने पसंद का हेयर ऑयल ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको आपको अपने बालों के स्कैल्प पे भी लगाना है, बालों की लेंथ पे भी लगाना है, और एक चीज़ का ध्यान
रखें, हमेशा इसको फ्रेश बनाएं और लगाएं। इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ख़राब हो जाता है स्टोर करने के बाद। तो फ्रेश बनाओगे और तुरंत लगाओगे तो इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो पूरी बालों की लेंथ पर लगाओ, बालों की जड़ों में भी इसको लगा सकते हो, और इसको कम से कम आधे घंटे तक आपको अपने बालों में रखना है। अगर बालों में थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग इफेक्ट चाहते हो तो बालों को ऐसे ही लंबाई में लगाने के बाद खुला छोड़ देना, बांधना मत और ना ही शावर कैप लगाना। जब ये 30-40 मिनट हो जाएगी आपके बालों में लगे हुए, तो इसके बाद आपको पानी से धोना है, इसको अच्छे से निकालना है, उसके बाद आप जो नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर करते हो वो कर सकते हो। अच्छे फायदे के लिए इसको हफ्ते में एक बार तो ज़रूर अपने बालों पर इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो हफ्ते में दो बार इसको ज़रूर लगाएं। अगर आपके बालों में थोड़ी सी रफनेस है, फ्रिजीनेस है, या फिर स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पहली बार में ही इसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। बाल छूने में ही आपको महसूस होगा कि सॉफ्ट होने लगे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो इस DIY का रिजल्ट आपको अच्छा मिले और नेचुरल इफेक्ट मिले, तो इसके लिए इसको कम से कम एक महीने तक तो ज़रूर इस्तेमाल करें। यानी हफ्ते में एक बार लगाएंगे तो एक मंथ में चार बार ज़रूर लगाइए। तो कुछ ही दिन में आप देखोगे आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, और साथ ही नेचुरल चीज़ों के साथ हेल्दी भी रहेंगे। तो देर किस बात की है दोस्तों, क्या सोच रहे हो? इसको जल्दी से बना के अपने बालों पे इस्तेमाल करो और इसका रिजल्ट पाओ। और मेरे साथ ज़रूर फीडबैक शेयर करिएगा अपना कमेंट बॉक्स में कि आपको इसका क्या रिजल्ट मिला। और साथ ही आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और साथ ही दोस्तों कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कितने लोगों ने आलू इस्तेमाल करके देखा है अपने बालों पर। जल्दी से कमेंट करें और मुझे ये भी बताएं उसका आपको क्या रिजल्ट मिला था। और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।